It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. ये कहते हैं कि अवाम ही असल ताकत का सरचश्मा है, आपसे मुराद कोई भी सियासी जमात। अब सदर पाकिस्तान एक बरतानवी अखबार में आर्टिकल लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कोट एंड कोट, द वेस्ट हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट आर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कंटिन्यूस। मगरिब की जिम्मेदारी है कि वो हमारे मुल्क में जमहूरी अमल के तसल को यकीनी बनाए। तो फिर कल आवाम तो कहीं नहीं खड़ा ना, यानी अमेरिका ही, हम अमेरिका से कह रहे हैं कि जरा प्लीज देख लें जमहूरियत चलती रहे, बैठे रहे, आवाम कहां गए फिर? तो इरेलेवेंट होगा आवाम, ये सदर पाकिस्तान लिखा जो आवाम की, आप एग्री करते हैं इसमें लिखा है? बिल्कुल एग्री करता हूं मैं। अच्छा, उसके रीजन भी दूंगा। तो अमेरिका से दरखास्त करनी पड़ेगी कि यस, आप 60 सालों में जो अपने पॉलिसीज बनाई है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो न्यू नो पीपल्स पार्टी हो या फौजी हो, जिन्होंने पॉलिसीज बनाई है, लुक वेस्ट की पॉलिसीज रही है हमेशा, आपने हमेशा कर्जे लिए हैं, जिससे कर्जा लोगे इसके आगे आप आंखें नहीं उठा सकते, आप कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हो और मुल्क आपका डेवलप नहीं हो रहा है, सिर्फ 8 आदमी डेवलप हो रहे हैं, 8 आदमी पनप रहे हैं, उनकी एक वो मिराश बन गई है, मतलब आप देखो जायंट्स हो गए हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। तो हालिया जो कर्जे की अगर बात करें तो हालिया एपिसोड हुआ कैरी डुगर बिल का, आप अपोज कर देते उसको अगर कर्जा मुल्क? हमने अपोज किया था, हमने अपोज किया था। अभी भी आपकी इस पर वही स्टैंडिंग है? बिल्कुल, हम दो स्टैंडिंग तो रख नहीं सकते ना, हमारी कोशिश ये थी कि सारी जमातों का कॉन्सेंट लिया जाए और सबको साथ लेके चला जाए। कर्जों से बेहतर जो है वो और बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखा जाए। जो जिन्होंने कर्जे माफ कराए उनसे अगर पैसे निकलवा लिए जाएं तो हमें तो जिंदगी भर कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरह इशारा करें, मैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है, पूरी लिस्ट मौजूद है, सारे सबको पता है कोर्ट में केस। अच्छा, मेरी तरह मुश्किल आसान करें, आप मुझे बता दें, आप ये तो नहीं बता रहे कि आप किसी तरह इशारा कर रहे हैं, ये बता दें नवाज शरीफ साहब कल किसी तरह इशारा कर रहे थे? उन्होंने कहा लूटी हुई दौलत आवाम को वापस की जाए, लोग फिक्र ना करें, ये सारी दौलत वापस लाएंगे, वो किसी तरह इशारा कर रहे हैं? वसीम देखें, मैं जो हालात है ना मुल्क के, मैं डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा ना करूंगा। अब हर एक आवाम को सबके चेहरे नजर आ चुके हैं, सबको पता है। आप मुझसे जो सवाल कर रहे हो, मैं अगर जवाब दे दूंगा तो वो नई चीज नहीं होगी, सबको पता है। आज हम अगर सिंसियर होके जो हमारे इश्यूज हैं, लाइक जैसे मैंने कहा कर्जे लिए हुए जो माफ हुए हैं वो रकम वापस आए, करप्शन में जो इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए, वो पैसा इस हुकूमत में वापस लाया जाए, इस मुल्क में वापस लाया जाए, और बहुत सारे इश्यूज हैं आवाम के सामने रखे जाए। तो बताएं आपको, आपकी तशफी हो गई कि वो कह रहे थे कि ये दिल्ली चोरी वाला मामला वो मीडिया पे नाराज हो रहे थे कि ऐसा कोई मामला नहीं था? वसीम मैं देखें, वो जो हुक्स दिखाए गए थे कुंडे जो जी, ये तो ये चोरी में नहीं आता ये। अब अच्छा, बड़ी चोरी पकड़े, 72 की लिस्ट है जो पैसे माफ कराए हुए कर्जे वो रिकवर करें, इसमें तो चंद रुपए आ जाएंगे, वो करें जिसको, जो मुल्क की आवाम को इसका फायदा हो। अच्छा, वो जो भी इन्होंने कहा कि जिहादी ग्रुप है और ये इनका एक माइंडसेट ये मुस्लिम लीग उनका प्रो जिहादी, आप एग्री करते हैं इसमें? देखिए, अब वो फौजिया का स्टेटमेंट है, मैं समझता हूं कि सऊदी रॉयल फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया है कल या परसों के अखबार में, आपने ही पढ़ा होगा, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें, मुत्तहिद हो जाएं अगेंस्ट टेररिज्म, कायदा अलकायदा एंड तालिबान, और मुत्तहिद होके जो अपने हमारे इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आवाम के मसाइल भी हल हों। तो वो जब एक ऐसी फैमिली जो कि पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और बुरे वक्तों में हमारा साथ देती है, वो जब आपको एक बात कह रही है तो मैं समझता हूं सबको कंडेम करना चाहिए, जो तालिबान हो या कोई भी दहशतगर्द हो जिनके जो जो एलिमेंट्स यहां काम कर रहे हैं, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सबसे बड़ी अपोजिशन अगर उसको कंडेम करे तो इसका बड़ा असर होगा। ठीक है।